देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो हमने देखा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं। लेकिन एक हर एक चुनाव में एक फेवरेट होता है, तो ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में फेवरेट है, क्योंकि कोई भी दल जो है वो हरियाणा में तीसरा रिकॉर्ड टर्म जीत के नहीं आया है। और इसका एक कारण है कि भाजपा को 2019 में हरियाणा में 58% वोट शेयर मिले थे और वो 79 असेंबली सेगमेंट्स में लीड कर रही थी। 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होता है, भाजपा का वोट शेयर 37% हो जाता है, यानी 21% भाजपा का वोट शेयर गिरता है और 79 सीट आधी हो जाती है 40 पर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक तिहाई वोटर जो थे 2019 में, उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट किया था। तो 58% का एक तिहाई होता है लगभग 1920। यही विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर गायब होता है, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तब भाजपा के लिए मोदी फैक्टर काम करता है। जैसे 2000 आपने बोला 5 से 12 राज्य हो गए भाजपा में जो जहां वो सरकारों में थी। क्यों? क्योंकि वहां वो विपक्ष में थी और मोदी फैक्टर काम किया। जैसे ही आपकी खुद की सरकार होती है तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मोदी फैक्टर वहां उतना मजबूत नहीं होता। नहीं, लेकिन तो पिछली बार बिल्कुल उलट नतीजे 19% वोट अगर आप सीधा घटा दें तो 37% हो गए। बीजेपी की किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में रिपीट किया? उत्तराखंड में भी यही पैटर्न था। उत्तराखंड में भी बीजेपी वहां पे कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस ये खेल चलता था। करेक्ट, लेकिन वहां पे इसका मतलब है कि आपको सरकार के परफॉर्मेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा। योगी का एक इमेज है कि भाई स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने किया, ठीक है, तो उस इमेज का उनको फायदा मिला। बिना काम किए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। परसेप्शन और परफॉर्मेंस, दिलीप सर ने वर्ड यूज किया, मैं कहता हूं परसेप्शन और रियलिटी, अगर इन दोनों में बहुत गैप है, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि शिंदे जी 10,000 फाइलें साइन कर रहे हैं, ठीक है, एक घंटे में तो 1500 मिनट होते हैं, तो 10,000 फाइल कैसे साइन कर रहे हैं वो? तो अगर अगर आप ये बोल रहे हैं तो साफ दिखता है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं। करेक्ट, परफॉर्मेंस और रियलिटी में फर्क है। देखिए, पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी 1-to-1 कॉन्टेस्ट में, 51 सीटों पर 1-to-1 कॉन्टेस्ट था भाजपा के साथ हरियाणा में, 26 सीटों पर जीती थी कांग्रेस पार्टी और भाजपा 25 सीटों पर जीती थी। बाकी के 40 सीटों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई, क्योंकि जेजेपी और इंडिपेंडेंट्स ने कांग्रेस पार्टी को थर्ड स्लॉट पे ढकेल दिया लगभग 17 सीटों पर। ठीक है, और राहुल गांधी जो लास्ट पुश दे रहे हैं, उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश है कि भाई देखिए, अदर्स और इंडिपेंडेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, 29 उनके ही रेबेल्स खड़े हैं, तो इस चुनाव को थोड़ा नेशनलाइज कर दिया जाए। जैसे ही चुनाव नेशनलाइज होता है, अदर्स और इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर और रोल ऑटोमेटिक कम होने लगता है। और जैसा आपने कहा, क्योंकि अब इसका डर क्या है कांग्रेस को कि भाई राहुल बनाम मोदी ना हो जाए, तो क्योंकि राहुल बनाम मोदी में भी राहुल की रेटिंग बढ़ी है, तो इसका भी डर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई। तो ये हरियाणा में तो जो आप कह रहे हैं, ये तो CSDS का सर्वे है, हरियाणा में राहुल की लोकप्रियता 30% है 2024 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हरियाणा में उनसे कम है, मोदी की लोकप्रियता। तो ऐसे में सुकेश, परसेप्शन के सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, हरियाणा का नतीजा और फिर